हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर में हम लेसन 26 कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, तो आपने वो पैराग्राफ पढ़ के उन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ठीक है, इजी। ये आपकी बुक का पेज नंबर 78 पे दिया हुआ है कि कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ेंगे। लेसन 26 कॉम्प्रिहेंशन। अ फॉक्स वॉज हंग्री। मैं साथ साथ ना डिफिकल्ट वर्ड अंडरलाइन करके दूंगी आपको। अ फॉक्स वॉज हंग्री। एक फॉक्स था, वो हंग्री था बहुत ज्यादा। ही, अब जैसे मैंने क्यों बोला हंग्री था, क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे शी होता तो मैं हंग्री थी बोलती ना। अ फॉक्स वॉज हंग्री, ही लुक्ड फॉर फूड। उसने अपने आसपास फूड, वो बहुत हंग्री था इसलिए उसको फूड चाहिए था, इसलिए वो आसपास अपने फूड ढूंढ रहा था कि कहाँ से मुझे कुछ भी खाने के लिए मिल जाए। ही सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। उसको क्या मिला? ग्रेप्स दिखे, अंगूर। ही जम्प टू गेट देम। ट्री पे होंगे ग्रेप्स, तो वो उसने जंप लगाई उसको लेने के लिए, ग्रेप्स को। बट ग्रेप्स वर वेरी हाई। लेकिन जो ग्रेप्स थे वो बहुत ही ऊपर थे पेड़ पे, तो वो उसको नहीं ले पाया। ही कुड नॉट रीच देम। वो नहीं पहुंच पाया। उसने बार 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 ट्राई करा बट वो नहीं पहुंच पाया। एट लास्ट ही वॉज टायर्ड। लास्ट में वो क्या हुआ, वो इतना थक गया कि वो नहीं कर पाया। ही सेड दीज ग्रेप्स आर सॉर। उसने फिर जब वो ले ही नहीं पा रहा था बार बार ट्राई करने के बाद भी, तो उसने क्या बोल दिया, उसने अपने मन में क्या सोच लिया कि ग्रेप सॉर है, मतलब अंगूर जो है वो खट्टे हैं। तो सेइंग सो ही वेंट अवे। वहां से वो ये कह के निकल गया, क्योंकि उसको पता था कि ग्रेप्स तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो बार बार ट्राई करके तो उसने वो ग्रेप्स को ही वर्थलेस प्रूव कर दिया कि ये मेरे किसी काम के नहीं, ये खट्टे हैं। ठीक है, अब ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपने ये पूरा अच्छे से, इसके क्वेश्चंस पहले आप लिखेंगे, फिर आंसर्स लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग्स, वर्ड्स सब आपने अच्छे से करना है, और क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो आपके उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, वो कट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन हम पढ़ेंगे। व्हाई डिड द फॉक्स लुक फॉर फूड। फॉक्स फूड को क्यों ढूंढ रहा था? ही वॉज हंग्री। सिंपल क्वेश्चन, वो क्यों ढूंढ रहा था फूड? अब हम भी फूड खाते हैं, या फूड को हम कहते हैं कि हमें कुछ खाना है, तो क्योंकि हम हंग्री होते हैं। तो ऐसे ही फॉक्स भी था, फॉक्स हंग्री था इसलिए वो फूड को ढूंढ रहा था। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? ही वॉज हंग्री, HUNGRY, हंग्री। सेकेंड, वॉट डिड ही सी, उसने क्या देखा? याद है आपको क्या देखा उसने? ही सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। आपने ऐसे ही लिखना है, उसने क्या देखा? ही सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। थर्ड, वॉट डिड ही डू टू गेट द ग्रेप्स, फिर उसने क्या करा ग्रेप्स को लेने के लिए? ही जम्प्ड टू गेट देम, उसने जम्प करा उसको लेने के लिए। ट्री पे थे तो उसने जंप करा बार बार। कुड ही गेट द ग्रेप्स, उसको ग्रेप्स मिल पाए थे? नो, ही कुड नॉट गेट द ग्रेप्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कुड नॉट गेट देम, बट आप अगर ग्रेप्स भी लिखेंगे वो भी ठीक होगा। वॉट डिड ही से बिफोर ही वेंट अवे, उसने लास्ट में जब गिव अप कर दिया कि अब मुझे तो ग्रेप्स नहीं मिल सकते, तो उसने क्या बोल के वो वहां से निकला? हमने पढ़ा था, ही सेड दीज ग्रेप्स आर सॉर। उसने वहां से ये बोल के निकला वो कि दीज ग्रेप्स आर सॉर, वो खट्टे हैं अंगूर। ठीक है, ये हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंशन, उसके क्वेश्चंस पढ़े। अब आपने ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन खुद पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। आप लिख कर लर्न करेंगे, आपको जल्दी लर्न होगा। ठीक है, आंसर्स पहले आप क्वेश्चंस अपनी बुक में लिख लेना, और फिर आप आंसर्स लर्न करके अपने आप लिखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।